अभी हम लोग चैट जीपीटी और कई दूसरे एआई टूल्स का यूज करते हैं और सोचते हैं कि वाह क्या चीज बनाई है। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस समय नए मॉडर्न एज में एक रिवॉल्यूशन की तरह माना जा रहा है। जैसे पहले कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स माने जाते थे, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स के फील्ड में फॉरेन कंपनीज का पलड़ा भारी था, वैसे ही चैट जीपीटी एआई भी एक फॉरेन कंपनी ओपन एआई ने इनोवेट किया है। ओपन एआई के फाउंडर सैम ऑल्टमैन ने जून 2023 में इंडिया को विजिट किया था और उन्होंने भारत का मजाक बनाया था, क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने कहा था कि भारत जैसा देश चैट जीपीटी जैसा एआई सॉफ्टवेयर नहीं बना सकता, ये उनके लिए नामुमकिन है। लेकिन अब चैट जीपीटी की टक्कर में देसी एआई टूल हनुमान लॉन्च होगा और जिसे लॉन्च करेंगे मुकेश अंबानी, यानी कि भारत अब एआई पर भी तहलका मचाने वाला है। पूरी वीडियो में हम आगे समझने की कोशिश करेंगे कि ये प्लान क्या कुछ है, कौन सी कंपनी इस रिवॉल्यूशन में साथ मिल रहे हैं। तो मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अगले महीने चैट जीपीटी के जैसा ही एआई चैटबॉट हनुमान लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। कंपनी इस एआई चैटबॉट को लाने के लिए 8 एफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर काम कर रही है, जिसे भारत जीपीटी ग्रुप का नाम दिया गया है। भारत जीपीटी 4 मेन एरियाज जैसे कि हेल्थ केयर, गवर्नेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज और एजुकेशन में 11 डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस में काम करने वाला मॉडल तैयार कर रही है। आपको ये भी बता दें कि 20 फरवरी यानी कि मंगलवार को कंपनी एक टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस के दौरान इस एआई चैटबॉट को प्रेजेंट भी किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान साउथ इंडिया के एक मोटरसाइकिल मैकेनिक ने चैटबॉट के साथ तमिल में बात की, वहीं एक बैंकर ने इस टूल के साथ हिंदी में बातचीत की और एक हैदराबाद के डेवलपर ने कंप्यूटर कोड लिखने के लिए इस एआई टूल का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट्स ये सामने आई हैं कि ये एआई लार्ज लैंग्वेज मॉडल पर काम करता है। एलएलएम एक डीप लर्निंग एल्गोरिदम है, इन्हें बड़े डेटा सेट का इस्तेमाल करके ट्रेन किया गया है। ये एल्गोरिदम ट्रांसलेट, प्रेडिक्ट, स्पीच टू टेक्स्ट और बाकी कंटेंट को जनरेट करता है। एलएलएम को न्यूरल नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है, जो ह्यूमन ब्रेन से इंस्पायर्ड कंप्यूटिंग सिस्टम है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल को प्रोटीन संरचनाओं को समझने, सॉफ्टवेयर कोड लिखने जैसे कई कामों के लिए ट्रेन किया जा सकता है। रिलायंस जियो स्पेसिफिक यूजर्स के लिए कस्टमाइज मॉडल भी तैयार करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी जियो ब्रेन पर काम कर रही है। जियो ब्रेन लगभग 45 करोड़ कस्टमर्स के नेटवर्क के लिए एक एआई प्लेटफॉर्म होगा। भारत में लाखों लोगों की लिटरेसी रेट को ध्यान में रखते हुए रिलायंस भारत में हनुमान और जियो ब्रेन लाने वाली है। इसके बाद दुनिया चैट जीपीटी जैसे एआई टूल्स को भूल जाएगी और बस हनुमान उनको याद रह जाएगा। हनुमान चैट जीपीटी को जबरदस्त टक्कर देगा, क्योंकि चैट जीपीटी प्रीमियम सर्विसेज के लिए पैसे चार्ज करता है, जबकि मुकेश अंबानी की स्ट्रेटजी तो आप जानते ही हैं, वो उन्हें सस्ती दरों में या फिर फ्री में भी उपलब्ध करा सकते हैं। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।